नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत करछु मु चिन्मय प्रथमे हेडलाइंस मंडी समस्या को नहीं हुलस्तोल विधानसभा चासी को धान न उठिले आत्महुति धमक देले बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्रही सेपटे गृहर मध्य भागरे कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र धारणा आंदोलनरत एनएम मानंकु योग्यता भितरे दिया नियुक्ति विधानसभा बिबृति रखिले स्वास्थ्य मंत्री नव दास 1000 अनेसत एनएम पदवी खाली रही कहले मंत्री कोरोना को दृष्टि रखी सर्तावली दिया नियुक्ति विधानसभा प्रश्नकाल में बालीताति बाली नीति नहीं सरकार को घेरिले विरोधी सरकार कहीं बालीनीति आनी बोली प्रश्न कला बीजेपी चिट्ठा प्रस्ताव कार्यकारी होषक 5000 कोटी राजस्व हरा राज्य कोरोना को नहीं राज्य में बढ़ला सतर्कता विमान बंदर स्क्रीनिंग कड़ाकड़ी लक्षण देखागले आइसोलेसन रे जात्री समस्त आर्थिक कटकणा को उठाइले राज्य सरकार सब विभाग सचिव को प्रमुख सचिव अशोक मीना चिट्ठी कोरोना महामारी सात मास पूर्व लागू होता कटकणा चलित आर्थिक वर्षर बाकी अवधि कटकणा कोह विभिन्न दावी आज व्यवसायी संघर भारत बंद डाकरा सका 6 संध्या 6 सबु दोकान बजार बंद सतर्क रहा समस्त गृह विभाग निर्देश विजिलेंस हाथ धरा पड़े ढेंकानाल निहल प्रसाद थाना आईएसी लांच नेबा बेले धरा पड़े आईएसी चित्तरंजन बेहरा जौतुक निर्यातना मामला रफादफा करने 6000 टंका नेउथिले लांच शेषे ततला तावारे भुवनेश्वर देशर रेकर्ड भांगा राजधानी सर्वाधिक तापमात्रा 39.4 डिग्री रेकर्ड सेपटे स्वाभाविक रहिबो राज्यर अधिकांश स्थानर तापमात्रा आसवा संपूर्ण खबर को आईपीएल बेटिंग रो मुख्य अभियुक्त दिनेश राठी गिरफ दिनेश को कोलकातारु गिरफ करी ब्रह्मपुर पुलिस तबे दिनेश को 5 दिनिया ट्रांजिट रिमांड रे आनी ब्रह्मपुर पुलिस गोसाणी नुआगारे वर्तमान ब्रह्मपुर एसपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर नजर पकाए करछलो फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो इल गॉटन मनी एई बिजनेस बाय एई सिंडिकेट लेकरी बहुत लोग गुडा टंका उपार्जन करथले इलीगल रे ताको हम इन्वेस्टिगेट कर जानते जे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज पर्यंत आम गुड़ाए फिक्टिशियस बा बेनामी बैंक अकाउंट ठाब करथिलु सी बैंक अकाउंट ठाब करथिलु एवं टोटल सीजर होची 5,29,26,409 टंका एटा विभिन्न बैंक अकाउंट रु एटा सब सीजर होकर ए अकाउंट गुड़ाक फ्रीज अच्छे एवं आपण को अवगत कराई दि जाऊँ जे आमर रिपोर्ट रे बॉम्बे पुलिस रे मध्य गोटे एफआईआर रजिस्ट्रेशन है बॉम्बे क्राइम ब्रांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग रे जोटा कि आमर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उपरे आमर क्वेरी उपरे से गोटे एफआईआर करछंती जोटी से माने फिक्टिशियस अकाउंट जो बेनामी अकाउंट रे जो पैसा ट्रांजेक्शन है तार इन्वेस्टिगेशन से माने वर्तमान करछंती किंतु आम जिते बड़े विभिन्न लोकं विभिन्न लोकंर संपृक्ति एमंर इन्वेस्टिगेशन करार आरंभ कलु आम जापरलु जे जड़े व्यक्ति नाम दिनेश राठी से हूँ मुख्य से परिचालना करुच्ची इलीगल बेटिंग सिंडिकेट एंटायर ओडिशा रे मुख्यतः आम एरिया रे से करुच्ची भाषा रे ताकु स्टॉकिस्ट कहते से स्टॉकिस्ट होकर से डिस्ट्रीब्यूटर जमी आम लोकल बिजनेस पार्लेन्स जड़े स्टॉकिस्ट थाए एवं अन्य को डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिए सेमिति जो आम अरेस्ट करूँ प्रशांत सुबुद्धि हो कि लाली आचार्य हो कि ये विशाल अग्रवाल जो हो एमाने होचंती तार गोटे गोटे डिस्ट्रीब्यूटर बा तार गोटे गोटे बिजनेस एजेंट से माने आप जो तांको भाषा रे कहंती जे गोटे गोटे से माने पैनल दियंती जोटा कि टेक्निकल लैंग्वेज रे यूजर नेम आईडी और पासवर्ड जो बैटिंग साइट्स गुड़ाक से माने संपर्क करती ताठारु से माने एडमिन राइट्स पाती एवं यूजर नेम आईडी पासवर्ड से माने क्रिएट करी करी डाउन द लाइन से माने डिस्ट्रीब्यूट करती एवं गोटे नेटवर्किंग सिस्टम रे एई सिंडिकेटटा काम करी थाए तो आज आमे एई दिनेश राठी को सर्वेन्स रखिथिलु आमर मुख्य उद्देश्य थिला याकु अरेस्ट करिबा एवं दीर्घ मु कहिबी 5 मास अक्लांत परिश्रम परे गत काली आमर गोटे स्पेशल टीम जोटा आईएससी गोसाणी नुआगा एवं आमर साइबर सेल रो इंस्पेक्टर से माने कलकत्ता रे रेड करथिले एवं सक्सेसफुली दिनेश राठी टुकु ताको एप्रिहेंड करथिले
दिनेश राठी बयस 46 वर्ष से कलकत्ता रे रहे बिजनेस करे ताकू एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कलकत्ता पाखे प्रोड्यूस कराइला मान्यवर एसी एम एम कोर्ट आमको 5 दिन रो ट्रांजिट रिमांड दिनेश राठी को देखते से गतार क्रिमिनल एंटीसीडेंट एवं खोजुचु तार विभिन्न तार मूल निवासी से कोठु से आसिकरी केबोट तेब आप शुणुते जे गंजाम रो एसपी जे रही से प्रेस कॉन्फ्रेंस करुते जहाँ घटना रही है जे आईपीएल बेटिंग नहीं कि 4 मास तले जिते बड़े 6 जन गिरफ होते आज मुख्य अभियुक्त दिनेश राठी को गिरफ्त कर कोलकाता ब्रह्मपुर पुलिस गिरफ्त करी तेज कौन अधिक तथ्य पांच दिन में जिते रिमांड में निजी कौन अधिक तथ्य पुलिस हाथ में लगे ये परवर्त समय जमापड़ कि वर्तमान ए संपर्कित जहाँ आप देखुले एसपी सांबादिक सम्मेलन में पूरा घटना संपर्क में सूचना देते आसवा परवर्ती खबर को मंडी अव्यवस्था को नहीं तातिला विधानसभा मंडी में धान न उठिले गृह आत्महुति चेतावनी देखती विधायक सरकार को धमक देखती बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही कहते जेपर्यंत मंडी धान न उठी एवं चाषी समस्या दूर न हो से विधानसभा भितर ही आत्महुति देवे सेपटे मंडी समस्या को नहीं गृह मध्य भाग धारणा कांग्रेस विधायक नरसिंह मिश्र कहते खूब शीघ्र सरकार मंडी समस्या दूर करंतु एने मंत्री गृह में बृत्ति रखंतु बोली दावी करिछंती नरसिंह मिश्र तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन रे जोडी होछंती हम भुवनेश्वर प्रतिनिधि दिव्यज्योति महंती जोडी होछंती दिव्य वर्तमान गृह रे जो सूचना आसी पहुंचुची जे गृह मध्य रे मंडी बा चासी मान कर जो समस्या रही ताकू नहीं कि वर्तमान कांग्रेस एवं जे रही वर्तमान विधानसभा घटना नहीं कि पूरा विधानसभा ताति उठी एवं आत्महुति चेतावनी देखते विधायक घटना संपर्क में कौन अधिक सूचना देवाक चाहिए तबे मंडी अव्यवस्था को लेकिन वर्तमान विधानसभा रे ताति मंडी रे धान न उठिले गृह रे आत्महुति देवाई बीजेपी विधायक सुभाष पाणिग्राही सरकार को धमक देछंती या सहित कांग्रेस मध्य समान कथा को दोहराई एवं कांग्रेस मध्य मध्य भाग रे धारणा रे बसिछंती नरसिंह मिश्र कांग्रेस विधायक खूब शीघ्र सरकार मंडी समस्या दूर करंतु बोली से दाबी रखिछंती एने मंत्री गृह रे बिब्रति रखंतु बोली मध्य दाबी करिछंती नरसिंह मिश्र तबे राज्य रे चासी समस्या लागी रही छी बारंबार चासी माने आंदोलन को आसुछन्ते तबे घटना संपर्क रे अधिक जानिबा पई हम सहित फोन लाइन रे जोडी छन्ते हम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महंती जोडी छन्ते दिव्य वर्तमान कांग्रेस एवं बीजेपी कर स्वर एक होई छी एवं वर्तमान विधानसभा मंडी अव्यवस्था को नै ताति छी घटना संपर्क रे कोन अधिक सूचना देबा पई चाहिबे विधानसभा आज मंडी समस्या को नै उद्वेग प्रकाश पाइला प्रथमे जे बीजेपी रो विधायक रही छन्ते सुभाष पाणिग्राही से मंडी समस्या समाधान एवं धान न उठी से पर्यंत से दावी करते शीघ्र धान गुड को उठा जाऊ जदि सरकार पदक्षेप तुरंत न ने से आत्महुति उद्यम करे गोटे प्रकार चेतावनी देते विधानसभा अंपटे सबुठ वरिष्ठ और वयोज्येष्ठ नेता जी गृह रोचार कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र से एथिपाई सीधा साल फ्लोर मध्य आसने प्रतिवाद जनाइले बसी तले बसते दावी था सरकार तुरंत धान गुड को उठाते आप देखिए पश्चिम ओडिशा ठीक नहीं समग्र राज्य में धान मंडी अव्यवस्था और टोकन मिलते टोकन गुड लास्ट हो जाए से धान बिक्री करना दीर्घ दिन धरी मंडी धान पड़ रही जिते अदिनिया बर्षा होती से समय धान गुड़िक गजा हो जाए चित्र आम देखाई विभिन्न जगह कुचिंडा हूँ कि बरगड़ हूँ यह तमाम जगार ये चित्र आसी तो से दृष्टिकोण उभय बीजेपी और कांग्रेस आज अड़ी बसने सरकार प्रथम जो धान गुड़िक रही उठातु और बड़क धान किनापी पदक्षेप निपटे जहाँ नरसिंह मिश्र दावी था मंत्री एने गृह बृत्ति रखु कहीं समस्या खुजी मंत्री जो भाव विवृत्ति रखी थे चाषी को दलाल
जो संबोधन करते आक्षेप करते विरक्ति प्रकाश करते कांग्रेस विधायक नेता नरसिंह मिश्र सहित सुभाष पाणिग्राही कहवा कथा था सरकार कहीं अभिमुखी अपना चाषी मान कहीं सरकार दरजी भावना रखुना यही अवस्था चाषी मैंने बाहर पड़ रही चाषी मैंने आम अन्नदाता से कथा सरकार चिंता कर आवश्यक रही क्यों समस्या रही मंडी में आज जो चाषी दिन काटुची राति काटुची सरकार कहीं घोर निर्धारित होती सरकार ए प्रसंग में तुरंत समाधान करते धान उठी जाऊ मंदिर दावी रखते निश्चित भाव में दिव्य बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचनापी तेज आप शुणुते दिव्यज्योति महांती आम प्रतिनिधि भुवनेश्वर आम सहित जोड़ी होते हैं विधानसभा वर्तमान जिते बड़े मंडी अव्यवस्था नहीं विरोधी स्वर शाणित होतमान समस्ते दावी करुंजे सरकार ए संपर्क में गृह वर्तमान बृत्ति रखत बोली से संपर्कित अधिक सूचना देते आसिया परवर्ती खबर को महंगारे वृद्धि पाउथिबा हिंसा एवं चासिंकर मंडी अव्यवस्था ये सबक नहीं वर्तमान कांग्रेस विरोध रे प्रतिवाद रैली करी कांग्रेस वर्तमान प्रतिवाद रैली करी सरकार के विरोध रे एवं एही रैली कुआपाल तहसील रु आरंभ करी करा जाइछि महंगा कांग्रेस नेता देवेंद्र साहू को समेत पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक जिला सभापति मानस चौधरी को समेत अन्य नेता कर्मी महंगा माटी बिगुड़ आईन श्रृंखला परिस्थिति और चाषी समस्या को लेकर आज महंगा कांग्रेस पक्ष विक्षोभ प्रदर्शन कर राजरास्ता कांग्रेस दृश्य बर्तमान देखी आज महंगा कांग्रेस जो भाव में आज एक रैली बर्तमान कर आईन श्रृंखला परिस्थिति और चाषी समस्या को लेकर आज महंगा कांग्रेस राजरास्ता को ओसी सभापति निरंजन पट्टनायक कटक जिला सभापति मानस चौधरी और महंगा कांग्रेस नेता देवेंद्र साहू के नेतृत्व में ही रैली बर्तमान बाहरी जेहेतु महंगा कांग्रेस सबू नेता सामिल अच्छा समस्ते एली समस्त बाहर प्रतिक्रिया ना आम सहित अच्छा कांग्रेस नेता देवेंद्र साहू देवे आज जो आपने रैली बाहर कर आईन श्रृंखला परिस्थिति चाषी समस्या यह कमी बर्तमान महांगार स्थिति बिगड़ी महांगारे घरे घरे आज परिचित महांगारे आप देखिए जो भाव तीन तीन टाइम बॉर्डर है मान्यवर मंत्री ना एफआईआर है मंत्री आठ बुलूंट एपर्तंत पुलिस कौन से आक्शन नौ ये सबुठू बड़ समस्या एवं जो माने धान चाषी माने धान मंडी में पकईंट एपर्तंत सुधा टोकन मिली जानुरी मसर धान एपर्तंत सरकार नौना दुआर मुहर पड़ी एपर्तंत कादूँ कथा शुणा कई नाती आज हजार दिन जो चाषी जो भाव अवस्था अच्छी दुख अच्छी आज कांग्रेस राजरास्ता को आसी कांग्रेस आगु पेट्रोल डीजेल उपर दाबी कर आईन श्रृंखला कथा कही बारंबार आम कौ जे ये जो परिस्थिति होती ये परिस्थिति सरकार दायी एवं ये मंत्री अच्छा सी हूँ मुख्यतः दायी से मुख्य मर्डर करन टा को आम बारंबार कौन ना एफआईआर थे से गिरफ होना केते दिन काल यही चलो केते दिन काल महांगारे यही चलो जड़े आईन मंत्री होदी नवीन बाबू विधान करेंगे ना एफआईआर अच्छी से पर्यंत गिरफ होना आठ रु महांगार सब लोक चारिड़े एक कथा उठाई आज आम दाबी हूँ गिरफ नक जाके शोभा बर्तन बाहरी महांगार रही कुआपाड़ कुआपाड़ ब्लॉक कार्यालय रैली बर्तन बाहर यहाँ सीधा सड़क जाकि तहसीलदार कार्यालय पर्यटन पहुंचे प्रतिवाद कांग्रेस पक्ष जो भाव में बर्तमान महांगार जो आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगड़ी बोली जहाँकि विरोधी अभियोग करते जेहेतु 2014 रु 2021 यही चलित बर्ष पर्यंत जेहेतु चारोटी हत्या होती आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगड़ी बोली विरोधी अभियोग करते अंपटे चाषी मान जो धान समस्या रही विक्ष प्रदर्शन बर्तन कराऊँ कि पूरा देखुवे स्थिति और बर्तमान आम सहित अच्छा कटक जिला कांग्रेस सभापति मानस चौधरी आलोचना करवा मानस जो बर्तमान आईन
ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେମିତି ମହଙ୍ଗାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗୁଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରୁନୁ, ଏଇଟା ଲୋକ ପବ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଲୋକ ମାନିନେବେ? ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି, ମହାଙ୍ଗା ମାଟି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ମହାଙ୍ଗା ମାଟି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମର୍ଡ଼ର ହେଉଛି, ଚୁଡ଼ାମୁଢ଼ି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଠି ବେପରସ୍ତ। ଏଠି 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟୋକନ ଧାନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ଏମାନେ ଧାନ ଯାହା ଅଛି ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର ଉଠାନ୍ତୁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟାବହ ହେବ। ସୁଧାରିବ କିଏ? ଯେହେତୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତ ଏହି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବ କିଏ? ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ DVDP ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରେନି, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବରଦାସ୍ତ କରେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୀତ ଭାଙ୍ଗୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବ କିଏ? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠୁନି, ଟୋକନ ନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି ତା ଚାଷ କଲେ ଧାନଟା ସେମାନେ ଯଦି ବିକି ପାରିବେନି ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ 4-4 ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଛି ତାହା ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି, ସେମାନେ ଟୋକନ ନେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ BJP ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ମହାଙ୍ଗାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ ସରକାର ସୁଧାର ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ BJP ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲାଇଛି, ମହାଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ BJP ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାଳାତାଳ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି, ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଏଏନ୍ଏମ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 1,000 ଏଏନ୍ଏମ୍ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସଫଳ ହେଲା ଅପରେସନ ସଙ୍ଗମ, ବହୁଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଅପରେସନ ସଙ୍ଗମ ଜରିଆରେ ନାରାୟଣପୁର ଓ କାଙ୍କେର ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 7 ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉଠିଲା ବାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା, ଏହି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। 2018 ଏଯାଏଁ କୌଣସି ତର୍ଜମା ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ BJP ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝି। ବାଲି ବାବଦରେ 1500 କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଚୋରି ହେଉଥିବାରୁ 4-5 ହଜାର କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛି ରାଜ୍ୟ। ସେପଟେ ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ବାଲି ନୀତିକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ଚାହିଦା ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, ଏଯାବତ୍ ବିଦେଶକୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ 2-3 ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ବାଲିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇନି, ଘାଟ ନିଲାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡି। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କଟକଣାକୁ ଉଠାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବାକି ଥିବା ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସଚିବ ଅଶୋକ ମୀନା ଚିଠି ଲେଖି
जणाइछन्ते। कोरोना परे प्रभावित होइथिबा अर्थनीति को मुख्य धारा को फेराइबा पई कटकणा कोहळ करा जैथिबा कुआ जैछि। विभागीय प्रमुख शासन सचिव अशोक कुमार मीना दर्शाइछन्ते जे विभिन्न क्षेत्र रे जे आर्थिक कटकणा लगा जैथिला सेथिरो सरकार केतेक क्षेत्र रे एहाकु प्रत्याहार करि रहिछन्ते। एबे कोविड मुकाबला पई टीकाकरण चालुथिबा बेले राज्यर अर्थनीति सुधार आडकु मुहाइछि। राज्य सरकार विभिन्न उत्सरु संबल संग्रह करि पारुछन्ते। अर्थनैतिक क्षेत्र रे अधिक विकास लागि गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र को प्राधान्य देबार आवश्यकता रहिछि। एहाकु दृष्टि रे रखि सरकारक पक्षरु विभिन्न विभाग पक्षरु खर्च को नै जे कटकणा लगा जैथिला ताहा प्रत्याहार करि निया जैछि। मात्र विभाग पक्षरु वास्तव रे जे खर्च हेब ताकु ही राजकोषरु उठाण करि हेब। कोरोना को नहीं राज्य में बढ़ला सतर्कता। विमानबंदर स्क्रीनिंग कड़ाकड़ी करा जाई छी। महाराष्ट्र केरल आंध्रप्रदेश तमिलनाडु पंजाब पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ कर्नाटक दिल्ली तेलंगाना मध्यप्रदेश चंडीगढ़ प्रभृति राज्य आसुथिबा यात्रींकर स्क्रीनिंग करा जाउ छी। जहार किछि पॉजिटिव सिम्पटम्स देखा जिवो सेमानक आइसोलेशन रे रखा जिवो। आजिठारु एही प्रक्रिया आरंभ होई छी। पूर्वरु आरटीपीसीआर टेस्ट आरंभ होई छी। वर्तमान प्रतिदिन राज्य बाहरु प्राय 4000 यात्री ओडिसा आसुछन्ते। भुवनेश्वर विमान बंदर को प्रतिदिन प्राय 32 विमान जास करथिबा भुवनेश्वर विमान निर्देशक सूचना देखते। तो नुआपड़ा जिला सुनाबड़ा अभयारण्य चुआ गाँ निकट में लैंडमाइन ठाप। सीआरपीएफ 216 बटालियन घटनास्थल में पहुंची लैंडमाइन को उद्धार करछे। लैंडमाइन रो ओजन 5 kg हेबो बोली सूचना मिलिछि। डिटोनेटर सह तार भी उद्धार करिछि सीआरपीएफ। किछि दिन हला नुआपड़ा जिले रे माओवादी माने नीरव रहिथिबा बेले आज निजर उपस्थिति जाहिर करछन्ति। घटनास्थल रे 216 सीआरपीएफ कमांडेंट राजेश वत्स्य पहुंची कम्बिंग अपरेसन जारी रखिछन्ते। निकट रे वन विभाग रो कार्यालय थिबारु एहा बड़ धरणर विपदरु टळि जायथिबा सीआरपीएफ कहिछन्ति। पाँच के जी वेट का है और उसके साथ साथ वायर वगैरह भी है। डेटोनेटर लगा हुआ था, डेटोनेटर को हमने ब्लास्ट किया और आईडी को अभी डिफ्यूज़ कर रहे हैं और उसको पूरी जो कार्रवाई है। हम आईडी है उसमें स्प्रिंटर्स थे और स्प्रिंटर्स तभी लगाए जाते हैं जब कोई जड़ा खतरा हो और कुछ कैजुअल्टीज करने का इरादा हो। तो लगता है कि अभी उनका इरादा काफ़ी खतरनाक था। डेटोनेटर ऐसे काउंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो हमने ब्लास्ट कर दिया है। हो सकता है 2-3-4 होंगे तो अभी इसके बारे में कहा नहीं जाता। अभी तो हम सैनिटाइज करेंगे पूरे आसपास के पूरे एरिया। करीब रोड है, रोड को पूरा सैनिटाइज करेंगे, पूरा उसको सर्च करेंगे, देखेंगे कि भाई और भी कोई इस तरह की चीज़ ना लगाई गई हो। तो लेट्स सी क्या क्या निकलता है। ऑपरेशन विल कंटिन्यू फॉर अनदर 3-4 डेज क्योंकि ये पूरा एरिया आपको पता ही है काफ़ी बड़ा है और कच्चा रोड है सारा का सारा। तो हम किसी भी पॉसिबिलिटी को अभी नहीं डिलीट कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन रे जुड़ी छथि हम प्रतिनिधि युधिष्ठिर पटेल जोड़ी छथि। युधिष्ठिर पूरा सूचना कोन देबा पई चाहिबे। हां देखंतु आज सुनाबड़ा अभयारण्य रो चिरेचुआ घाटी निकट रे एक जीवंत लैंडमाइन उधार हेछि जहार अनुमानिक मूल्य 5 केजी रु ऊर्ध्व कहा जाइछि। आउ भी सूचना मिलिछि जे आउ किछ भी पड़ी जाय पारे। आउ घटनास्थल रे नुआपड़ा सीआरपीएफ बटालियन 216 बटालियन रो कमांडेंट पहुंची सारी जीवंत उद्धार करने फुटे दिया जाए। गोटे सूचना कह रखी जे गत किछि दिन है माओवादी मैंने नीरव होते आहिर को आज उपस्थित को जाहिर कर सूचना कह रखी जेहेतु रास्ता उपरा सुनाबड़ा अभयारण्य को जो पूर्वर माओवादी मैंने पूर्व लुचिकी रोते गोटे ही रास्ता निकट वन विभाग ऑफिस अच्छी किसी सरकारी ऑफिस अच्छी से निकट जेहेतु ठाब होती बड़ धरण घटना को एड़ाई दिए मानते आज एड़ाई पारी सीआरपीएफ जहाँ सूचना देखते आमको कमांडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर आप समस्त सूचना। समय सर मध्यान्ह खबर को ये रखु। नमस्कार।